काफ़ी टाइम से हमारे पास बहुत सारे कॉल और मैसेजेस आ रहे थे, इसमें कहा जा रहा था कि आप हमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाना सिखाएं, और आज हम आपको बनाना सिखाएंगे न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी और इसके ज़रिए आप जुपिटर और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उसको आसानी से व्यू कर सकेंगे। न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप को बुनियादी तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो इसके में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो इसके होते हैं प्राइमरी मिरर और आईपीस। सेकेंड जो इसका है बॉडी ट्यूब स्ट्रक्चर है, और तीसरे नंबर पर जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो कहलाता है इसका माउंट। माउंट के बिना जो है स्टार गेजिंग काफ़ी दुश्वार हो जाती है, बल्कि नामुमकिन सी बात हो जाती है। और आज हम पीवीसी पाइप और मिरर्स को इस्तेमाल करते हुए सिंपल एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बनाएंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पहले बता चुका हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इसके मिरर्स हैं। तो इसमें दो तरह के जो है मिरर्स होते हैं और आईपीस लेंस इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस टेलीस्कोप में जो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ न्यूटोनियन रिफ्लेक्टर मिरर है, और ये पैराबोलिक शेप में मिरर है और इसका जो डायमीटर है तकरीबन 150 मिलीमीटर है, और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो 750 यानी 750 मिलीमीटर इसकी जो फोकल लेंथ होती है। और ये जो 750 इसकी फोकल लेंथ, इसी हिसाब से हम इसकी जो बॉडी ट्यूब है वो हम डिज़ाइन करेंगे। और उसके बाद सेकंड जो इम्पॉर्टेंट मिरर होता है वो है प्लेन मिरर, जो कि इक्लिप्स शेप में जो है कटा होता है, और ये मिरर जो है इससे आने वाली जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करके आईपीस तक पहुंचाता है। तो साथ में चाहिएंगे आईपीसेस, और ये आईपीस जो है मुख्तलिफ पावर के होते हैं, 5x, 10x, 20x, और ये मिरर्स और आईपीस आपको पाकिस्तान साइंस क्लब की वेबसाइट sciencestore.pk से मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो जो अशिया जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा, बताता जाऊँगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इसको बनाना ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी टेलीस्कोप के बनाएंगे बॉडी, और बॉडी को बनाने के लिए हमें जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो है वाइट पीवीसी पाइप, जिसका डायमीटर है 16 इंच है, और इसकी जो लेंथ है तकरीबन 60 सेंटीमीटर है, और ये इसको मैं और इसको मैं मीटर साव की मदद से, बिल्कुल इसके दोनों जो साइड्स हैं मीटर साव की मदद से मैं काट चुका हूँ। और इसका इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल इक्वल हों, बिल्कुल बराबर हों इसके प्लेन। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि ये हमने जो प्लेन मिरर है उस प्लेन मिरर को इस ट्यूब के बिल्कुल सेंटर में जो है हमने 45 डिग्री के एंगल पर हमने लगाना है। तो इसको लगाने के लिए मैं एक इंच का पीवीसी पाइप मैंने कट किया, और इसको लगाने के लिए एक इंच के पीवीसी पाइप मैंने लिया है, एक इंच डायमीटर का पीवीसी पाइप लिया है, और उसको 45 डिग्री एंगल पर मैंने मीटर सॉ से कट कर लिया है। और इसको हम सबसे सिंपली इसके ऊपर इस तरह प्लेस कर देंगे, और प्लेस कर लेने के बाद इसको पेस्ट कर देने के बाद हम यहाँ पर तीन नट की मदद से इसको बिल्कुल इसके सेंटर में जो है इसको हम इसके सेंटर में इस तरह लगा देंगे। मुझे इस पीवीसी पाइप के इस हिस्से को मुझे इसके बीच में यहाँ पर फिट करना है, तो मैं इन नट बोल्ट का सहारा लूँगा। तो मुझे जो है तीन इसका जो टोटल जो सर्कमफेरेंस है इसको मैं इक्वल तीन पार्ट्स में डिवाइड करके तीन इक्वल जो है निशान लगा के इसमें होल करूँगा, और इसके अंदर नट पास करूँगा। तो उसके लिए मुझे एक धागा चाहिए होगा। इस एंड से 5 सेंटीमीटर।
लाइट की मदद से हम देखेंगे कहाँ पर मिरर की लाइट आई, फिर वहाँ पर हमें होल करना होगा। फोर पॉइंट सिक्स का इंच का जो डायमीटर का जो है पीस पाइप का पीस ये है जिसकी लेंथ जो है तकरीबन 7 सेंटीमीटर है। ये जो है हम इस हिस्से पर हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। तो मैं अब होल सोल की मदद से इसमें होल करता हूँ। ये तकरीबन बिल्कुल 90 डिग्री पर इसको होना चाहिए। तो हम अपने गुनिया की मदद से जो है इसको देख चुके हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पर हमने पीवीसी पाइप का एक पीस जो है इसके हम यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। मेरे पास पुराने टेलीस्कोप का एक फोकसर पड़ा हुआ था और इस फोकसर को मैं यहाँ पर जो है इसके साथ लगा दूँगा। अगर फोकसर नहीं है तो हम सिंपल पीवीसी पाइप की ट्यूब भी लगा सकते हैं मैन्युअली इसको एडजस्ट करने के लिए। तो इसका काम ये होगा कि कोई भी दूर या करीब के जो प्लैनेट्स हैं उनको फोकस करने के लिए जो हम इसको इस्तेमाल करें। हम अपना जो फ्रंट पार्ट है फोकसर वाला हिस्सा और मिरर वाला हिस्सा वो हम अटैच कर लगा चुके हैं। अब जो अगला काम है वो है यहाँ पर मिरर को रखना। और मिरर को रखने के लिए जो है हम एक पुरानी जो कॉपर वायर की रील है उसका ये वाला सर्कुलर हिस्सा लेंगे। वैसे पीवीसी पाइप का हम कैप भी लगा सकते थे लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर हमें ये लगा कि हम एक सर्कुलर जो है डिस्क ले ली है इसकी, इसमें से हम काट लेंगे और इसको यहाँ इसके ऊपर मिरर रख के इसको यहाँ पर डक्ट टेप की वजह से हम फिक्स कर देंगे ताकि इसको खोलना और उतारना आसान रहे। तो चलिए ये करते हैं। मिरर इंस्टॉल करने से पहले हम इसके ऊपर ब्लैक कलर करने जा रहे हैं और जस्ट अपना टेलीस्कोप को बनाते बनाते तकरीबन मगरिब हो चुकी है और अब हम मगरिब की नमाज के बाद जो है अब दोबारा से हम इसको बनाने लग पड़े हैं। पहले हम इसको कलर बाहर की साइड पर जो हमने वाइट कलर कर दिया था और अंदर हमने ब्लैक कलर कर दिया था और अब ये जो मिरर है इस मिरर को हम दोबारा से इसके साथ जो है इंस्टॉल कर देते हैं। अब आखिरी मरहला जो हमारा है मिरर को इस पर फिट करना। तो हम फिट करते हैं। मिरर को हम इसके साथ फिक्स कर चुके हैं। अब आईपीस की बारी है और आईपीस हम इस पर अटैच करके और अब हम टेस्ट करेंगे अपने मून को। तो अभी हम इसका जो है ट्राइपॉड जो स्टैंड है माउंट जो है वो हमने नहीं बनाया। नेक्स्ट वीडियो जो है ट्राइपॉड माउंट जो है इसका जो हम बनाना सिखाएंगे। तो अभी हम टेस्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। हमारी जो न्यूटन रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप है ये कम्प्लीटली जो है इसको हम कामयाबी से बना चुके हैं और क्योंकि हमारे पास अभी इसका हमने माउंट नहीं बनाया वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो माउंट के बिना हमने पहले से मौजूद जो स्काई वॉचर है उस पर हमने इसको सेट करके और इसको व्यू जो है हम देख रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त चांद के जो घड़े हैं बहुत वाजे और बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हो चुका है। तो अगर आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है तो आप
कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी हमसे रابطہ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।